पसीने तो आ गए। ये भी ले तो। घर में पूजा कर रही है और मैं जा रहा हूँ मंदिर में। देखो कैसे प्यार से पिएगा। गुन्ना को पता जल पीना है, गुन्नी औषधि है। कब जब भी भगवान भोलेनाथ को जाकर के जल जब चढ़ाते हैं तो भगवान से ये बोला करिए, हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, ये मैं जल नहीं ले रहा हूँ, ये मैं जल के रूप में औषधि ले रहा हूँ। ऐसे करके पहनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेल्ट लगा लेंगे। शुरू किया था फिटनेस। देखो मुझे तो लगी ये वो, देखते हैं खाने में क्या ही बना हुआ है। यहाँ पे दाल है कितने। अच्छा तेल लगा के मुझे इसमें। गाइस वेलकम बैक टू एवरीथिंग किटो चैनल। तो गुन्ना उठ गया है, फोन आ गया है, तो हम लोग भाग रहे हैं। वैसे हम लोगों ने पसीने तो आ गए, पसीने आ गए और लग रहा है खाना भी हमारा पची गया है। कितना किलो वजन कम करोगी तुम? मुझे तो भयंकर, मुझे तो पसीने वैसे ही बहुत जबरदस्त के आते हैं। स्विमिंग पूल भी चालू हो जाएगा, खेल के सीधे नहाने चला जाएगा करूँगा। भक नहीं, थैंक यू बोलते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको नहीं सिखाया? नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया। आपके माँ बाप ने बहुत सिखाया। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सिखाया है। किसी को भक नहीं बोलते, थैंक यू बोलते हैं। एक लड़की हमेशा ऐसे करती है। कौन लड़की ऐसे करती है? आप बताओ। चलो जल्दी आ जा भाई, लिफ्ट वाले बाबा। ये भी लिख दो। कुच्चा देखो सही से रख के जाती कम से कम। चिड़िया किसके पास था? चिड़िया किसके पास था? चिड़िया वाला नहीं लाए। वाला कहाँ है जो टूटा था? उसको जाने क्या करोगे? उसको आंसू देखा, आंसू सोने के लिए ऐसे ना ढूंढी है। The next morning, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो गाइस आप सब लोगों को सुप्रभात। तो अभी मंदिर के सारे कपड़े किट्टू रानी ने चेंज किए हैं और तो किट्टू रानी घर में पूजा कर रही है और मैं जा रहा हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये वाला मैं लोटिया लेकर के जाऊँगा और इसमें है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष हम लोग रात में भिगो देते हैं पानी में और यही रुद्राक्ष का जो पानी होता है जाते हैं शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और इसको जो पानी बचता है शिवलिंग से फिर हम इसको रोप लेते हैं और उस पानी को हम लोग अपने जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो आपको शरीर में वहाँ लगाओ, 100% आप सही हो जाओगे। तो अभी किट्टू पूजा कर रही हैं और चल रहे हैं हम लोग। मैं चलता हूँ मंदिर में पूजा करने। और किट्टू बहुत दिन से कपड़ा चेंज नहीं हुआ था, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, चलें तो तुम आप यहाँ कर लो, वहाँ जा रहे हैं मंदिर। हाँ घी का दिया भी ले लेते हैं।
यहाँ पे किट रानी का भी पूजा संपन्न हो चुका है। गुड मॉर्निंग, राम जी से कह देना जय शिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय शिया राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये जो जल लेकर के आता हूँ मैं, इसको अपने हाथों में लेता हूँ सर्वप्रथम, और हमारा जो गुन्ना है उसको जल पिलाते हैं। और देखो कैसे प्यार से पिएगा, गुन्ना को पता जल पीना है। गुन्नी ये देखा, उसके बाद इनके स्वस्थ रहने के लिए, इनकी लंबी आयु के लिए, इनको खुश रखने के लिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय सब जानते हैं। उसके बाद हमारी साली साहिबा को भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी तो किट्टो पूजा कर रही है, तो मैं भी अपने हाथों में लेकर के, उसके बाद मेरे चेहरे पे है जो भी दिक्कत, मैं उसके लिए लगाता हूँ। और आपके शरीर में जहाँ भी दिक्कत है, आप इस जल को, ये जल नहीं ये अमृत है, ठीक है। जैसे मेरे कमर में भी दिक्कत है तो मैं कमर में भी लगाता हूँ। ये भगवान का प्रसाद है, भगवान की औषधि है। तो आप जब भी भगवान भोलेनाथ को जाकर के जल जब चढ़ाते हैं तो भगवान से ये बोला करिए, हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, ये मैं जल नहीं ले रहा हूँ, ये मैं जल के रूप में औषधि ले रहा हूँ। और जहाँ पे भी मुझे कष्ट है, चेहरे में है, पेट के अंदर दिक्कत है, इसको पिया करिए। जैसे मैं भी पी रहा हूँ, देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जल हमने रख लिया है किट्टो के लिए। ये हमारा रुद्राक्ष का जल है जो हम जा करके भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को चढ़ाते हैं। और जब जल पूरा हमारे लोटस गिर जाता है, फिर इसको रोप लेते हैं। और जितना जल थोड़ा बहुत भी आता है, इसमें थोड़ा बहुत जल आता है, वो जल आकर के हम लोग घर में जो जल सबको पिलाने में जो बचता है उसको घर में छिड़क देते हैं और थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं। अभी किट्टो रानी आई, किट्टो को भी कर दिया। श्री शिवाय ये रुद्राक्ष, जैसे किट्टो को भी पेट में जो दिक्कत रहती है तो अपने पेट में भी लगाती हैं ये। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये रुद्राक्ष हम लोग जब सीहोर गए थे 1 तारीख को, याद है आप लोगों को, जो पूजा करने गए थे, तो वहाँ से हम लोग रुद्राक्ष हम लोग को प्रसाद के रूप में मिला था। वो हमने रुद्राक्ष को ख़रीदा नहीं है, 1 रुपये भी पे नहीं किया हुआ है। तो सीहोर में रुद्राक्ष मिलता है, पूरी श्रद्धा के साथ जाइए, आपके नसीब में होगा तो आपको रुद्राक्ष ज़रूर मिलेगा। तो इसको रखते हैं मंदिर में, और बने रहिए ब्लॉग में। अभी हम लोग चाय वाय पियेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर मिलते हैं। तो चाय हमारी लग चुकी है, बैठो चाय पीते हैं। तो गाइस चाय पीते फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग को एक चीज दिखा देना चाहती हूँ, आज कृतिक को इनके पापा ने नहलाया है और छपा रहा है किट्टो, अभी किट्टो, अच्छा किट्टो बोला था, ए मेरा नाम लिया है बेटा, किट्टो बोला है, नहीं देखो झूठ, इतना झूठ बोला है, नहीं कृतिक, किट्टू कहाँ है, किट्टो कृतिक क्या कह रहे थे, किट्टो किट्टो किट्टो। पर मैं आज आप लोग को अपने, क्योंकि मुझे जाना है शादी में और उसके बाद नवरात्र भी आने वाले, तो नवरात्र में पहनने के लिए 9 दिन का नवरात्र होता है और उसके अकॉर्डिंग तो ड्रेस लोग 1 दिन करके पहनते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती, मेरा जो मिल जाता है मैं पहन लेती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले आपको एक पार्सल दिखाती हूँ जो आया है SAY, पता नहीं कौन है SAY, मुझे नहीं मालूम, मैं इसको अनबॉक्सिंग करती हूँ। आप क्या शूट कर रहे हैं, हम भी देख लें क्या आया है भाई। भाई ये मैं ये साड़ी मैंने पसंद किया था, समझ गई। ये बताओ ब्लाउज है, पूरा वर्क है ब्लाउज में, ग्रीन कलर का है, ग्रीन साड़ी मेरे पास बहुत ज्यादा है। इसका ब्लाउज है, ये दूंगी टेलर को। एक ये साड़ी, और इसका लग रहा है ये बाजू है क्या या पीछे का होगा। और साड़ी तो मैं आपको खोल के दिखा नहीं सकती क्योंकि साड़ी में इतना ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, क्या है जी,
इतना लंबा है तो कौन खोलेगा? वही ठीक है, ऊपर से दिखा दो, कलर दिखा दिया बहुत सर, पहनोगे तभी तो कुछ रहना चाहिए, पूरा सस्पेंस इसी में तोड़ दोगे। यही तो बात है, आप इतने समझदार। कुछ देखो कुच्चा, ये रहा हमारा एक अनबॉक्सिंग, कुच्चा आप लोग देख लिए, इसका ब्लाउज देंगे सिलने के लिए, तेरा बाल देखो, बताइए पप्पा ने लाया है ये साड़ी, मैं यहाँ साइड में लगी थी, पर ये किसने भेजा है? ये टी ओ आई क्या लिखा है? टी ओ आई से कौन है जी? SAYTOY मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसका मैं वीडियो बनाऊंगी इंस्टाग्राम पे, आप लोग जरूर देखना। बाय बाय। क्या हुआ? चलो यार, तो मैं आपको अपना दूसरा पार्सल खोल के दिखाती हूँ, इसके अंदर भी कुछ लिखा है, बता ही लोग कैसे क्या लिखती है, हमको समझ में नहीं आता। तुम मेरी दे, ये भी देखो ग्रीन कलर का ही है, कहीं मेहंदी तो समझ आने वाली हो क्या भाई? ओ भाई ये क्या है, ब्लाउज है? आजकल तुम्हें सारे ब्लाउज बने बनाए मिल रहे हैं, पता नहीं कि जब से मैंने वाला बनाया है मेहरून वाला, वैसे ही सारे आ रहे हैं ना, और सारे की प्रिंट एक जैसे ही है। कोई नहीं, चलो इसको हमको तो नहीं लगता ट्राई कर लो फिर। कुछ ये साड़ी है पूरी प्लेन, लेकिन जो हमने साड़ी पहनी थी वो साड़ी की क्वालिटी अलग है, ये साड़ी की क्वालिटी अलग है। इसमें फर्क है क्या कुछ? ये फिसलने वाला कपड़ा है, पता है? मम्मा यहाँ तैयार हो रही है और ये गुन्ना पूरा सामान फैला दिया है। अब मुझे लगता है कि तो ना इसकी हाइट पे कोई चीज रखना नहीं है हमको, इसके दीदी नहीं मौसी है वो, पहले ये लकड़ी छोड़ो, इसका हाथ से चुकी लाए छोटी, इसको छील लो, इसको किसी तरीके से छोड़, चोट लग जाएगा गुन्ना, देखो कितना चुकीला हो, किसको इसको सबसे पहले इसे डस्टबिन में डालो, कितना नुकीला हो गया देख रही हो? नो, चोट लगने से अच्छा तुम रो लो, घड़ी वड़ी सब फेंक दिया है। इट्टो आप तैयार हो रही, इधर हमको भूख लगा है, खाना तो बना, खतरनाक वाला लग गया, बना तो दिए हैं, बना दी हो? हाँ मैं बड़ा ही रखती हूँ, अब ऐसे पहने क्या, रख जाओ एक मिनट, एक जो ऐसे आता है, इस पे स्क्रैच कैसे लग गया? सीधा ऐसे करके जो ऐसे छोड़ा जाता है ना, ये तो और नीचे रहता है, हाँ ऐसे करके पहनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेल्ट लगा लेंगे, बेल्ट भी है ना, पहले प्लेट बनाओ, बता रहे हैं बेडशीट नहीं बिछा आज, वही बात नहीं बिछाएगा, सुसु कर दिया था बेड पे, बेड पे शुशु किया था, क्यूटनेस देखो, ये ऐसे करके, तो छोटी हेल्प कर रही है यहाँ पे अपनी दीदी को साड़ी पहनने में, और मैं कर रहा हूँ इन लोगों का वीडियो शूट, पिन लगाओ, ठीक है हो गया। फिर एक काम करो, एक ब्लॉग बनाएंगे आज, तुमने सारा चूड़ा पूरा सब इसको पहनाओ छोटी को, देखते कैसी लगती है, साड़ी पहना दो, सब कुछ पहना के सब मेकओवर करो। कमेंट आ रहा था कि भैया आप ना छोटी का एक बार मेकओवर करो, जूली का, आप और किट्टू दीदी मिलकर इसका लुक पूरा चेंज करो, आप कर, आप पहनोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, वीडियो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम पहना पाएंगे जी तुमको, मतलब तुम चाहती हो कि हम पहनाएं? बोलो खुल के बोला करो, वीडियो चल रहा है, आवाज आनी चाहिए पूरी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बेटे की हरकतें, देखो घर में यहाँ पन्नी फेंका, यहाँ ब्रश फेंका, खराब हो जाएगा, यहाँ वो फेंका, यहाँ 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 प्रेस कर रहा है, वहाँ घड़ी फेंक दी मेरी, वहाँ टिश्यू फेंक दिया। एक बात पूछूं? रुक, खींच रहा है। जीजू एक बात पूछूं, आप दोनों से सबसे शरारत कौन था बच्चे छोटे से, आप लोग थे तब? हमें क्या पता, हम कभी मम्मी पापा से पूछे क्या, वैसे हम बहुत शरारती थे, तभी आपको पढ़ा होगा। उसको प्लीज हटाओ, ऐ इधर आ, इधर आ, तू इधर आ, इधर आ, इसका पहले लुक देखो, ऐ इधर आ, इधर आ, तो फर्क नहीं पड़ता है, हो जाएगा। कहाँ पे निकला है? एक्स्ट्रा है क्या? नहीं दीदी, एक में दो है, देखिए इसी से निकला है यार। क्या चीज निकला है? वो डाल दीजिए उसके अंदर। चला
इसमें जाएगा वो भाई, ये इधर से जाएगा ना। क्या हुआ? बोलो, हम तो तुमको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम बोलो। क्या मैं बोलूं? तुम्हारा ब्लॉग ले लेते, तुम्हारी मम्मी बोलेंगी मेरी बिटिया दिखाई नहीं देती वीडियो में। नहीं, वो सोची ना, मैं बर्थडे की थी, मैं बर्थडे में नहीं गई थी। मैं मम्मी से बोली, मम्मी मैं शूट कर रही थी, तो बोली अच्छी। तुम ब्लॉग में थी तो थी, ऐसा तो है नहीं तुम किसी वीडियो में नहीं थी। कहाँ जा रही हो? भाई साहब, मेकअप तो की नहीं होगी? मेकअप करना जरूरी है क्या? इधर आओ, पास तो आओ, ऑरेंज में आओ। लो आ गए लाइट में, अभी ऑरेंज में अच्छा लग रहा है। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, मेरा पति मेरा देवता है, मेरे देवता को कुछ कहोगी तो हम गोली से उड़ा देंगे। ये क्या है, ये क्यों निकल रहा है? तभी लोग बोलते कि तो वो चुलबुली है। चुलबुली? मुझे कोई क्या बोलेगा। चलो मैं मेकअप शायद करती हूँ, ठीक है? मुझे तो लगी है भूख, देखते हैं खाने में क्या ही बना हुआ है। यहाँ पे दाल है, कि तो दाल तड़क, दाल को छौका नहीं क्या अभी? ये राइस है, सब्जी भी बना होगा। यहाँ सब्जी रखी है, किट्टो दाल को छौका नहीं क्या अभी? छौको की तभी खाएंगे, अगर छौका हुआ दाल अच्छा नहीं लगेगा। आपने ब्लॉग नहीं स्टार्ट करवाया? मेरा थ्रेडिंग बढ़ गया ना, अजीब सा शेप नहीं। और ये शीशा देखो कितना गंदा है, इसको साफ करना पड़ेगा अभी। अब इस ऐसे क्यों किए, इसको इस पे बैठ कर लो ना आराम से मेकअप। इस पे बैठ जाऊँ? नहीं, वो स्टूल का है, स्टूल ले लो, आराम से बैठो इस पे। नहीं, तो करो, बहुत अच्छा नहीं करो तो सही। शादी जब हुआ था तो ऐसे ऐसे टेबल मिला था तो बैठ के तो करती थी मेकअप। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बैठे ना यहाँ पे। ये तुम्हारा रह रहा करके जहाँ पे तुमको सिजेरियन हुआ दर्द क्यों होने लगता है? वो किसी और चीज़ से डर। नहीं, नीचे ना एकदम दर्द बहुत तेजी से उठाया है। तो खड़ी होके कर लो आराम से, कोई बात नहीं। हाँ, क्या हुआ, दिक्कत हो रही ज़्यादा? नहीं, हम इसलिए बैठ नहीं रहे थे ना, पता नहीं क्यों सुबह से। आंसू भी आ गया आंखों में। इस आंसू की कीमत आप क्या जानो राजा बाबू। अच्छा, राजा अमित बाबू। लेकिन सच में नीचे दर्द होता है। एक तो ये इतना कूदता है उसी टाके पे, टक 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 ऐसे करके कूदता है। पेड़ पे मत कूदाया करो उसको। लेट जाओ आराम से, पकड़ो। यहाँ पे चाने से सच में दर्द हुआ है। पानी ले क्या? अरे इतना केयर मत करो, इतना भी। अरे भाई, मैं कर सुबह उठ जाओगी, लगी रहोगी, लगी रहोगी, लगी रहोगी। अरे मतलब वेट उठाने वाला काम मत किया करो ना, कपड़ा उपड़ा भी डालने लगती, उठा उठा के पूरा बाल्टी में। मेरे को बोल दिया करो, मैं ही डाल दिया। अरे उससे नहीं दिक्कत है, ये कल इतना ज्यादा कूदा है इस पे। लो थोड़ा पानी पियो पहले, हल्का सा। चलो कोई बात नहीं, आराम है अभी। कसम से दर्द है। इसमें कसम वाली कौन सी बात है, दर्द है तो है, कुछ खाई तो हो नहीं।
बारह साढ़े बारह बज गया, चाय पियो सिर्फ मेरे साथ। मैं बोला मुझे भूख लगी, चलो तुम भी कुछ खाओ, अभी ये पूरा बेड पे गिराएगा। चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, इससे खेलो लो, इससे खेलो लो, बहुत जिद्दी हो रहा है ये। चला अब बस, अब बस, अच्छा फिर कुछ देर बनाना वीडियो। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ क्योंकि अभी इनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई है ना। बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में।